वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। अरवी गोश्त ये बहुत मजे का बनने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जी हम बनाते हैं अरवी गोश्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आधा कप के करीब जो है ऑयल लिया है मैंने, और उसमें तीन मीडियम साइज की ये जो है प्याज काट के मैं इसमें बघार कर रही हूँ। बघार ऐसा करना है कि हमें सिर्फ ये गुलाबी प्याज करनी है, और उसके बाद हम सारे मसाले इसमें डालते जाएंगे। देखिए ये लाल मिर्ची पिसी हुई है, ये पिसा हुआ धनिया, नमक, गरम मसाला, हल्दी, इन सब मसालों को हम डाल देंगे। ये सब 1 टीस्पून है। इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे ताकि खुशबू अच्छे से आ सके इसमें। बस ज़्यादा नहीं जो है इसको 15 से 20 सेकंड के लिए जो है इसको भूनना है, और उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। ये मैंने आधा किलो लिया है। देखिए तीन मीडियम साइज में ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, और मैंने 1 अदर टमाटर जिसको मैंने बहुत बारीक काट लिया था वो भी ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून लहसुन, हरी मिर्ची मैंने 4 से 5 अदद काट के डाली है इसके अंदर, और बस इनको भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर ताकि मसाले ना जल जाए हमारे, और बस इसी तरह से हम इसको ढक्कन ढाप के रख देंगे। हर 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और भूनते जाएंगे। देखिए गोश्त ने और टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, और इसमें हमें मज़ीद अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हम भूनते जाएंगे इसको और पकाते जाएंगे। अच्छा जी, गोश्त हमारा तकरीबन पक चुका है, तो इसमें मैं अरवी डाल रही हूँ। अरवी को देखिए बीच में से मैं इस तरह से काट लूँगी ताकि अंदर तक हमारी पक जाए, कच्ची ना रहे। आप चाहे तो उसको छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं कि अच्छे से गल जाए, लेकिन मैं इसको बीच में से कट लगा कर डालूंगी। देखिए गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है, और ये कि तकरीबन ये गल भी चुका है। थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो अरवी डाल के जब पकेंगी तो गोश्त भी साथ में पक जाएगा। बस इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने भुना है, और इसमें आप अरवी डाल देंगे। अरवी चाहे तो बस आप कट करके डाल सकते हैं, या इस तरह की साबुत डाल दें। बस अरवी के साथ भी 2 मिनट मज़ीद इसको भूनना है। अच्छा, अगर आपका जो है मसाला जल रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से भून लेंगे, और फिर ढक्कन ढाप के इसको हम मज़ीद पकाने रख देंगे ताकि अरवी भी अच्छे से ये पक जाए हमारी। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है। आपको जब ज़रूरत पड़े कि जी मसाला जल रहा है तो उसमें आप उससे पहले आप थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि भुनने में आसानी हो जाए। बस इसको ढक्कन ढाप के अब मैं जो है 3 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद चेक करूँगी कि हमारी अरवी गल गई है कि नहीं। 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बन चुका है ये। बस इसको अच्छे से हमें भूनना है, इतना कि बस देखिए प्याज गायब हो जाए, और ये गायब हो चुकी है, बहुत मज़े की लग रही है। गोश्त जो हमारा थोड़ा सा कच्चा रह गया था वो भी हमारा पक चुका है, और अरवी भी पक चुकी है। बस 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको मैं रख रही हूँ, और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। देखिए ऊपर जो है ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है, यानी कि ये बहुत अच्छे से हमारी पक चुकी है। आप यहाँ पे मज़ीद पानी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको यहीं पे इस्तेमाल करूँगी। इसको रोटी के साथ खाएं और चावल के साथ खाएं, दोनों में बहुत मज़े की लगती है। सब्ज़ियाँ सारी ट्राई करनी चाहिए, हमें खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको नहीं भी पसंद तो गोश्त के साथ ट्राई करें, बहुत मज़े की लगेंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके भी बताइएगा, और नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।